हम सभी को खाना खाना बहुत पसंद है। यह हमारे शरीर को आवश्यक पोषण देता है और हमें स्वस्थ बनाता है। लेकिन कभी कभी हम जो खाना खाते हैं उस खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्या आपने फूड पॉइजनिंग या खाद्य जनित बीमारियों के बारे में सुना है? यह हमारे भोजन में होने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं। ये सूक्ष्म जीव सही तरीके से रखरखाव न करने की वजह से हमारे भोजन में आ सकते हैं। तो हम अपने भोजन में इन सूक्ष्म जीवों के विकास को कैसे रोक सकते हैं? तापमान को नियंत्रण में रखें। 5 डिग्री और 65 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान में बैक्टीरिया सबसे तेजी से बढ़ता है, यानी यह है खतरे का क्षेत्र। कम तापमान पर भोजन को रखें। कम तापमान से बैक्टीरिया का विकास धीमा हो जाता है। यह भोजन को खराब होने से बचाने में मदद करता है। इसीलिए रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर का उपयोग किया जाता है ताकि भोजन को कम तापमान पर रखा जाए, जो बैक्टीरिया के विकास को रोकने में मदद करता है। अधिक तापमान पर भोजन को पकाएं। अक्सर कहा जाता है कि हमेशा ठीक से पका हुआ खाना खाएं या खाना अच्छी तरह से पकाएं। आप जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भोजन को अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो अधिकांश बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन निकाल देना। क्या आपने डब्बा बंद खाद्य पदार्थ को देखकर कभी यह सोचा है कि सील बंद डब्बे में भोजन क्यों सुरक्षित रहता है? कैनिंग यानी डब्बा बंद करना भोजन को संभाल कर रखने के तरीकों में से एक है। जब भोजन डब्बा बंद होता है, हवा में मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं, क्योंकि कैनिंग के दौरान ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है। प्रिजर्वेटिव्स। कई रासायनिक प्रिजर्वेटिव्स को अनुमानित मात्रा में ब्रेड, बिस्किट, सॉस, फलों के रस में डाला जाता है ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके और उन्हें माइक्रोबियल खराबी से बचाया जा सके। इसी प्रकार नमक और शक्कर, जो प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव्स हैं, इनको अचार और जैम में मिलाकर उन्हें संरक्षित किया जाता है। सभी रासायनिक और प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव्स को FSSAI द्वारा निर्धारित मात्रा में मिलाना चाहिए। नमी को कम करना। क्या आपने सोचा है दूध कुछ ही दिनों में खराब क्यों हो जाता है? लेकिन दूध के पाउडर को कई दिनों तक संभाल कर रखा जा सकता है। इसका यह कारण है कि दूध के पाउडर में नमी नहीं होती। माइक्रोबियल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है नमी। इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण या डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण द्वारा खाद्य पदार्थों की नमी को कम करने से भोजन की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोब से कैसे बचाया जाता है। हम अगर थोड़ा ख्याल रखेंगे तो खाद्य जनित बीमारियों से बच सकते हैं और भोजन का आनंद उठा सकते हैं।